बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थर्ड आई की इंफॉर्मेटिव दुनिया में खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान के फरामोश करदा इस शहर के बारे में बताएंगे जो कौमे लूत से भी बदतर थी, और तहकीक के मुताबिक पॉन मीडिया की आइडियोलॉजी भी इस कदीम शहर की मिरास है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस शहर को बर्न सिटी क्यों कहा जाता था, आखिर ये लोग ऐसा क्या करते थे जो बदतरीन कौम कहा जाता था, ये शहर पाकिस्तान में किस जगह वाकिया था, और क्या पॉन मीडिया की इब्तिदा करने वाली यही कौम थी। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, इस शहर को शहर सोख्ता यानी जला हुआ शहर कहते हैं, क्योंकि हज़ारों साल कबल इसे 3 मरतबा जलाया गया था और असारे कदीमा ने जली हुई हालत में ही इसे दरियाफ्त किया था। यह शहर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। शहर सोख्ता को वहाँ के रिहाइशों की जिनसी रगबत और बदफैली की वजह से मशरक का पोम्पे कहा जाता है। अरसा दराज में दुनिया भर के रईस अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस शहर का रुख करते थे, और दुनिया में पॉन मीडिया यानी सेक्सुअल विजुअल्स का मरकजी ख्याल भी इस शहर में परवान चढ़ा। ये कहना बेजा ना होगा कि पॉन मूवीज़ की आइडियोलॉजी इस शहर की पैदावार है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि ये शहर अपने दौर का बहुत तरक्की याफ्ता शहर था। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना आगे था कि यहाँ के तबीब दिमाग की पेचीदा सर्जरी से लेकर आँखों की बिनाई का भी इलाज करते थे। तो फिर आखिर इस लाजवाल तरक्की याफ्ता शहर को आग किसने और क्यों लगाई? तो दोस्तों, चलें आपको बताते हैं। आखिर थर्ड आई ने इस शहर की तारीख पर नज़र डाली तो क्या देखा। बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब ईरान के सूबे सिस्तान के संगम पर यह शहर 3000 कबल मसीह दरियाए हेलमंद के किनारे आबाद हुआ। यह तकरीबन 200 एकड़ पर बना वसी शहर था। इसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। शहर सोख्ता का असल नाम किसी को मालूम नहीं, अलबत्ता कुछ मौरखीन इसे शहर आरता पुकारते हैं। इस शहर की खुदाई में ऐसे रस्ते दरियाफ्त हुए हैं जो सिंध के कदीम शहर मोहनजोदड़ो से जा मिलते हैं। मौरखीन के मुताबिक ये शहर उस वक्त तजारत का मरकज हुआ करता था और दुनिया भर से ताजिर हजरात यहाँ आते थे। एक और बात तहकीक से साबित हुई है कि यहाँ के मर्द सुस्त और काहिल वजूद हैं, और घर की कमाई की जिम्मेदारी घर की औरतें पूरी किया करती थीं। दुनिया भर से रईस, उमरा और ताजिर यहाँ आया करते थे, और यहाँ की औरतें अपने जिस्म बेचकर और दूसरी खिदमात मुहैया कर खतीर रकम इकट्ठी करती थीं। इसी वजह से ये शहर अपने दौर का बेहयाई का मरकज़ भी बन चुका था। ये वो जगह है जहाँ ठहरी हुई तस्वीर की जगह चलती फिरती मूवी वजूद में आई। ये ऐसे बर्तन भी दरियाफ्त हुए हैं यहाँ से जिन पर कार्टून की तरह मुख्तलिफ मनाजिर को पेंट किया गया है। अगर इन बर्तन को तेज़ घुमाया जाए तो ये मनाजिर चलते फिरते इंसान की सूरत नज़र आते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए उन्होंने दुनिया की पहली काबिल एतराज़ फिल्म यानी पॉन मूवी भी बनाई। दोस्तों, इस शहर में पाई गई कब्रों में से जब एक कब्र कुशाई की गई तो मुहक्किक ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ मुर्दे की कई हज़ार साल पहले दिमागी सर्जरी की गई थी, जो आज के दौर में भी कुछ अरसा कबल ही मुमकिन हो पाई है। एक और 20 साल की लड़की की कब्र खोदने पर मालूम हुआ कि इसकी एक आंख मस्नूई लगाई गई थी। ये शहादत हैं इस शहर की साइंसी अरूज की। बर्न सिटी में कुछ कब्रें खोदी गईं तो कब्र कुशाई करने वाले इस्तग़फ़ार किए बिना ना रह पाए, क्योंकि दो मर्दों को एक साथ नाज़ेबा हालत में दफनाने की वजह सिवाय इनकी बेहयाई के और कुछ ना हो सकती थी। चूँकि ये शहर वसी व अरीज़ है तो जगह की कमी को भी वजह तस्लीम नहीं किया जा सकता। फहाशी ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी बल्कि मौत के बाद भी इनके जिस्म से अलग ना हो सकी थी।
कई हज़ार साल रहने के बाद इस तरक्की याफ्ता शहर का वजूद 1800 कबल मसीह में ख़त्म हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे शहर को जलाकर ख़त्म किया गया था, और जिसने भी इस शहर को जलाया था इसने ना सिर्फ एक बार ना दो बार बल्कि तीन बार मुकम्मल तौर पर जलाया था। इस बात से इस कुव्वत की इस शहर से नफ़रत का इजहार होता है। वो कौन सी ताकत थी ये कोई नहीं जानता। कहने वाले कहते हैं ये खुदा के गज़ब और अजाब का शिकार हुए। कुछ मजहबी लोगों का इजहार है कि यहाँ के लोग चूँकि आग के पुजारी थे और आग की इबादत करते थे, तो इनकी बेराह रवि और बदकारी की सज़ा इन्हें आग से ही दी गई। बहर खैर, इस शहर की बर्बादी की असल वजह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को बदकारी और फहाशी से पनाह दे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।